वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मटन मसाला की रेसिपी। झटपट बनने वाला और बहुत टेस्टी बनने वाला मटन मसाला। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये मैंने मटन लिया है, 500 ग्राम मटन को मैंने कुकर में 3 से 4 सीटी लगा के 80% तक इसे गला लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर। और ये बड़ी प्याज ली है एक, इसे चॉप कर लिया है। एक बड़े टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है। पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर। ये गरम मसाला है हमारा होममेड। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 2 चम्मच भर कर, 2 चम्मच भर कर दही ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। तो ये देखिए गैस पे मैंने एक पतीली रखी है, उसमें ऑयल भी गरम कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो मैं इसमें अब प्याज ऐड करने वाली हूँ। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। भी 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे हम। और इसमें ऐड करेंगे अब हम टमाटर जो हमने काट के रखे। टमाटर डालकर भी अच्छे से भून लेना है हमें। टमाटर डाल के भी मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम हमारे पाउडर मसाले जो हमने रखे वो ऐड करेंगे। हल्दी और मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए और नमक आप थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि हमने मटन जब गलाया था उसमें भी नमक ऐड किया था। और सबको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, टमाटर वगैरह भी इसमें गल चुके हैं ये देखिए। अब इसमें मटन ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखा है, इसे भून लेंगे अच्छे से। और इसमें हमने दही जो रखा है ना तो दही भी ऐड कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे। और अब इसे हम स्लो पे ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये मटन अच्छे से भुन गया है तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी ताकि ये और भी अगर इसमें कुछ कच्चा सापन है, अगर 80% हमने इसे पकाया था थोड़ा बहुत अगर कसर रह गई है तो वो इसमें अच्छे से पक जाएगा। इसे थोड़ी देर और पकाएंगे हम, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसमें हम ऐड करेंगे हमारा गरम मसाला। छः 7 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको सर्व करके बताऊंगी इसे। ये देखिए हमारा मटन मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने पुदीने और हरे धनिए से इसे गार्निश किया है और लेमन स्लाइस के साथ। ये इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देंगे तो ज़रूर आप ट्राई करना इस रेसिपी को। ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।